नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्से पर कंट्रोल ना होने की वजह से वह अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान के साथ साथ अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को खो भी देते हैं। लेकिन अगर आपका गुस्सा शांत नहीं होता है और आप अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आए कुछ आसान से उपाय। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो आप अपने गुस्से को जल्दी ही शांत कर लेंगे। नंबर एक, यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सुबह सूरज उगने से पहले उठें, स्नान करें और स्नान करने के बाद खुद सूरज को जल दें। ऐसा करने से आपको तनाव भी होता होगा तो तनाव भी दूर हो जाएगा और आपका गुस्सा भी शांत होने लगेगा। नंबर दो, यदि आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय खाने की प्लेट में उतना ही रखें जितना आप खा सकते हैं। यदि उससे एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसे आप नाली में बिल्कुल ना फेंकें। किसी को भी, आप कोई भी जानवर हो उसे खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। नंबर तीन, यदि आपके घर की पूर्व दिशा में, ये भी ध्यान रखिए कि आपकी पूर्व दिशा में कोई भारी सामान तो नहीं रखा है। यदि रखा है तो उसे जल्दी ही हटा दीजिए। ऐसा भी सामान आपके जीवन पर और आपको क्रोधी बनाता है। नंबर चार, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं क्योंकि आपको क्रोध इतना आता है जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने घर के कमरों की दीवारों को जरूर देखें। यदि आपकी कमरे की दीवारें लाल कलर से पेंट है तो उसे जल्दी ही बदलवा लीजिए क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लाल कलर बहुत ज्यादा क्रोधी उत्पन्न करता है और जिसकी वजह से आपको क्रोध भी आता है, तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। नंबर पांच, आप अपने घर के कोने में ये भी देखें कि कहीं घर के कोने में आप कूड़ेदान तो नहीं रखते हैं। यदि रखते हैं तो उसे जल्दी ही बदल दीजिए। ऐसी चीजों का ध्यान रखें और अपने क्रोध को थोड़ा कम करें। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने क्रोध को कम कर सकते हैं। इन उपायों को जरूर कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।